हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज का लेक्चर नंबर 34। लास्ट लेक्चर में जो हमने मेडिसिन पढ़ी थी वो थी बेंजोइकम एसिडम। अब हम नेक्स्ट मेडिसिन पढ़ रहे हैं एलिन की नोट्स के अकॉर्डिंग बर्बेरिस बल्गैरिस। तो स्टार्ट करते हैं। बर्बेरिस बल्गैरिस का कॉमन नेम है बारबेरी। इंट्रोडक्शन देखते हैं। रैपिड चेंज ऑफ सिम्टम्स, पेन चेंजेस इन रिगार्ड टू प्लेस एंड कैरेक्टर, थर्स्ट ऑल्टरनेट विद थर्स्टलेस, हंगर, लॉस ऑफ एपेटाइट एटसेट्रा। रैपिड चेंज ऑफ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, पेन चेंज करेगा प्लेस भी और कैरेक्टर भी, मतलब कटिंग पेन है फिर ग्रिपिंग हो गया ऐसे, और कैरेक्टर चेंज हो रहा है उसके साथ साथ प्लेस भी चेंज हो रही है। थर्स्ट होगी और ऑल्टरनेट करेगी थर्स्टलेसनेस, मतलब कभी थर्स्टी है पेशेंट, कभी थर्स्टलेस है। हंगर, लॉस ऑफ एपेटाइट, सब में चेंजेस देखने को मिलेंगे। एक्ट्स फोर्सिवली ऑन द वीनस सिस्टम प्रोड्यूसिंग पेल्विक एंगॉर्जमेंट्स एंड हेमरॉइड्स। फोर्सिवली एक्ट करता है किस पे? वेनस सिस्टम पे। वेनस सिस्टम पे काम करेगा, पेल्विक एंगॉर्जमेंट और हेमरॉइड्स की कंडीशंस लाएगा। हेप्टिक एंड रोमेटिक अफेक्शंस पर्टिकुलरली विद यूरिनरी हीमरॉइडल एंड मेंसुरल कंप्लेंट्स। हेपेटिक कंप्लेंट्स आएंगी, रोमेटिक अफेक्शंस आएंगे और पर्टिकुलरली क्या आएगा, यूरिनरी और हेमरॉइडल और मेंसुरल कंप्लेंट्स देखने को मिलेंगी। मतलब जो भी पेल्विक कंप्लेंट्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगी। ओल्ड गाउटी कॉन्स्टिट्यूशन है। पेन इन द रीजन ऑफ किडनी इज मोस्ट मार्क्ड। किडनी के रीजन में जो पेन है वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड पेन होगा। हैंस इट इज़ यूजफुल इन रीनल एंड ब्लैडर प्रॉब्लम्स। इसीलिए ये यूजफुल किस में है? रीनल और ब्लैडर प्रॉब्लम्स में। रीनल और ब्लैडर प्रॉब्लम्स में मोस्ट मार्क्ड सिम्टम्स देखेंगे इसके, मतलब जो किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम्स हैं, उन सब में गॉल स्टोन्स और सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या है? यूरिनरी ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन, ठीक है। इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी। किडनी के इन्फ्लेमेशन कॉज करता है क्या? बर्बेरिस बल्गैरिस कॉज करती है इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज, नेफ्राइटिस एंड हिमेटूरिया, मतलब यूरिन में भी ब्लड आएगा। पेन में भी फेल्ट ऑल ओवर द बॉडी इमेनेटिंग फ्रॉम द लंबर रीजन। जो दर्द है, पेन है, वो पूरी बॉडी में फील होगा, लेकिन निकले ओरिजिनेट कहाँ से होगा, ज़्यादा कहाँ फील होगा? लंबर रीजन में। इट ऑल्सो हैज़ अ मार्क्ड एक्शन ऑन लिवर। इसका मार्क्ड एक्शन होगा लिवर पे, प्रमोटिंग द फ्लो ऑफ वाइल। वाइल का प्रोडक्शन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वाइल फ्लो होगा। ऑफन कॉल्ड इन आर्थराइटिक अफेक्शंस विद यूरिनरी डिस्टर्बेंसेस। ज़्यादातर आर्थराइटिक अफेक्शंस में देखते हैं जिनमें यूरिनरी डिस्टर्बेंसेस देखने को मिले, वहाँ हम इसको रिकॉल करते हैं, वहाँ हम देखते हैं बर्बेरिस बल्गैरिस। वेंडरिंग रेडिएटिंग पेन, वेंडरिंग पेन मिलेगा, रेडिएटिंग पेन मिलेगा। एक्ट वेल इन फ्लैसी पीपल विद गुड लिवर्स बट विद लिटिल एंड्योरेंस। फ्लैसी पीपल में अच्छा काम करती है जिनका लिवर अच्छा है पर थोड़ा बहुत एंड्योरेंस है। तो स्पाइनल इरिटेशन में अच्छा काम करेगी। और बर्बेरिस पेन्स रेडिएट आर नॉट वर्स बाई प्रेशर बट वर्स इन वेरियस एल्टीट्यूड स्पेशली स्टैंडिंग एंड ड्यूरिंग एक्टिव एक्सरसाइज। जो बर्बेरिस का जो दर्द होंगे वो रेडिएट होंगे क्योंकि चेंज देखने को मिल रहा है। हमने पहला सिम्टम यही पढ़ा था कि चेंज देखने को मिलेगा। प्रेशर से वर्स नहीं होगा, वर्स किससे होगा? अलग अलग एल्टीट्यूड पर और स्पेशली स्टैंडिंग में या फिर एक्टिव एक्सरसाइज के टाइम पर। हेड सिम्टम्स देखें तो एक तरह से हमने जो अभी तक देखा वो फिजिकल जनरल्स और कुछ मतलब जनरल फीचर्स देख लिए। क्या क्या देखा? रिमेटिक और गाउटी कॉन्स्टिट्यूशन है। कंप्लेंस कैसी होंगी? रिमेटिक होंगी, गाउटी होंगी और यूरिनरी ऑर्गन्स की कंप्लेन है, जैसे कि किडनी हो गई, ब्लैडर हो गया, ये सब। अब हम सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है। हेड सिम्टम्स क्या क्या हैं? लिस्टलेस, एपेथेटिक, इंडिफरेंट, पफ़ी सेंसेशन, फील एज इफ़ द हेड इज़ बिकमिंग लार्जर। ऐसा लगेगा, पफ़ी सेंसेशन रहेगा, हेड बड़ा बड़ा फील होगा, जैसे स्वेलिंग आ गई है, बड़ा हो गया है। इंडिफरेंट में है पेशेंट, एपेथेटिक है, लिस्टलेस है, किसी चीज़ की सुध-बुध नहीं है। वर्टिगो विद अटैक्स ऑफ फेंटिंग, वर्टिगो रहेगा और बार बार फेंटिंग के अटैक्स आएंगे। फ्रंटल हेडेक होगा, चिल्स इन द बैक एंड ऑसिपिट। जो सर का जो पीछे वाला पार्ट है, बैक या ऑसिपिट, वहाँ पर चिल सेंसेशन फील होगा। टीयरिंग पेन इन द ओरिकल, ओरिकल में टीयरिंग पेन होगा। गाउटी कंक्रीशंस देखने को मिलेंगे। सेंसेशन ऑफ अ टाइट कैप प्रेसिंग अपॉन द होल स्कैल्प, टाइट कैप का सेंसेशन हो रहा है पूरे स्कैल्प को जो प्रेस कर रहा है, ऐसा वाला सेंसेशन। नोज में क्या है? ड्राई ऑब्स्टिनेट कैट्रा ऑफ लेफ्ट नोस्ट्रल, ड्राई ऑब्स्टिनेट कैट्रा देखने को मिलेगा लेफ्ट नोस्ट्रल का, मतलब लेफ्ट साइड अफेक्टेड होगी ज़्यादातर।
क्रॉलिंग सेंसेशन इन द नोस्ट्रल, नोस्ट्रल में भी क्या क्रॉलिंग सेंसेशन मिलेगा, कोई चल रहा है, चींटी चल रही है, ऐसा वाला। फेस कैसा होगा, पेल होगा, सिकली, सिकली बीमार है एकदम, अर्थली कॉम्प्लेक्शन एकदम निचुड़ा हुआ, विथ संकन चीक्स एंड आईज, आईज एकदम सिकुड़ गए हैं, चीक सिकुड़ गए हैं, विथ ब्लू सर्कल्स और हॉलो या ब्लू रिंग्स देखने को मिलेंगी हमें अराउंड द आईज। तो ये याद रखेंगे कि ब्लू सर्कल्स अराउंड द आईज देखने को मिलेंगे वर्बेरिस वल्गैरिस में। माउथ, माउथ में क्या दिया है, स्टिकी सेंसेशन होगा, डिमनिश सलाइवा, सलाइवा कम हो जाएगा, स्टिकी फ्रॉथी सलाइवा लाइक कॉटन, जो सलाइवा होगा वो स्टिकी होगा, फ्रॉदी होगा, किसकी तरह, कॉटन की तरह, जैसे नस मॉस्काटा में देखने को मिलता है। टंग फील्स स्केल्टेड, टंग पे ऐसा लगेगा पपड़ी जम गई है, वेसाइकल्स ऑन द टंग्स, टंग्स टंग पे वेसाइकल्स देखने को मिलेंगे। स्टमक में क्या है, नोजिया बिफोर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट से पहले नोजिया है, ब्रेकफास्ट करा नहीं उससे पहले नोजिया फील हो रहा है, तो बर्बेरिस वल्गैरिस, हार्ट बर्न देखने को मिलेगा। एब्डोमेन में क्या है, स्टिचेस इन द रीजन ऑफ गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के रीजन में स्टिचेस देखने को मिलेंगे, क्यों, क्योंकि गॉल स्टोन है, तो ऐसा दर्द होगा जैसे गॉल स्टोन से हो रहा है, कोलिक फ्रॉम गॉल स्टोन वाला, तो स्टिचेस इन द रीजन ऑफ गॉल ब्लैडर। वर्स प्रेशर, प्रेशर से वर्स होगा, एक्सटेंडिंग टू द स्टमक, स्टमक तक एक्सटेंड होगा। कैटरॉफ गॉल ब्लैडर, कॉलिसिस्टाइटिस की कंडीशन हो सकती है विद कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के साथ, एंड येलो कॉम्प्लेक्शन, येलो कॉम्प्लेक्शन हुआ है तो क्या है, जॉन्डिस भी देखने को मिलेगा हमें। स्टिचिंग पेन इन द फ्रंट, इन फ्रंट ऑफ किडनीज, एक्सटेंडिंग टू द लिवर, स्प्लीन, स्टमक, ग्रोइंस, मतलब पूरा एब्डोमेन आ गया कि किडनी से स्टिचिंग पेन स्टार्ट हुआ, लीवर तक एक्सटेंड किया, फिर स्प्लीन, फिर स्टमक, फिर ग्रोइंस और देन पिपर्ट्स लिगामेंट तक जाएगा। स्टिकिंग पेन डीप इन द इलियम, इलियम तक स्टिकिंग पेन जाएगा, इलियम तक। तो विलियस कोलिक है, एक तरह से विलियस पेन स्टार्ट हुआ है, जॉन्डिस फॉलो कर रहा है, मतलब फॉलोड बाई जॉन्डिस, मतलब एक तो गॉल ब्लैडर से हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, उसके साथ साथ येलो कॉम्प्लेक्शन है, मतलब जॉन्डिस भी आ गया, ठीक है। स्टूल कैसा होगा, कॉन्स्टेंट अर्जिंग टू स्टूल, स्टूल की कॉन्स्टेंट अर्ज रहेगी स्टूल की। डायरिया पेनलेस, डायरिया पेनलेस होगा, क्ले कलर्ड, क्ले स्टूल कैसा होगा, क्ले कलर्ड होगा, पेनलेस डायरिया होगा। बर्निंग एंड स्मार्टिंग इन एनस एंड पेरिनियम, बर्निंग और स्मार्टिंग रहेगी एनस में और पेरिनियम में। टीयरिंग अराउंड द एनस, एनस के चारों तरफ टीयरिंग सेंसेशन फील होगा। फिस्टुला इन एनो, फिस्टुला इन एनो की भी कंडीशन है, मतलब फिस्टुला इन एनो भी हमें देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ बिलियन सिम्टम्स दिखेंगे और इचिंग तो मिल ही रही है, तो टीयरिंग सेंसेशन मिल रही है, इचिंग भी मिलेगी पार्ट्स में, ठीक है। यूरिनरी सिम्टम्स में देखेंगे तो बर्निंग पेन देखने को मिलेगा, बर्निंग रहेगी, सोरनेस रहेगी बहुत ज़्यादा किडनी रीजन में। सेंसेशन इज एज इफ सम यूरिन रिमेंड आफ्टर मिक्चुरेटिंग, ऐसा लगेगा कि मिक्चुरेशन के बाद भी यूरिन रह गई है, कुछ यूरिन रह गई है अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद दिया है यूरिन विथ थिक म्यूकस एंड ब्राइट रेड मीली सेडिमेंट, जो यूरिन का कलर कैसा होगा, ब्राइट रेड होगा, यूरिन थिक होगी, म्यूकस की तरह होगी, ग्रीनिश भी हो सकती है, ब्लड रेड होगी, विथ थिक स्लाइमी म्यूकस, थिक स्लाइमी म्यूकस जैसी होगी, मीली सेडिमेंट दे रहा है कि मतलब ट्रांसपेरेंट हो गई, बाद में रेडिस या फिर जली लाइक सेडिमेंट के फॉर्म में यूरिन आएगी। बबलिंग सोर सेंसेशन इन किडनी, किडनी में बबलिंग सेंसेशन मिलेगी, ये मेडोराइन में देखने को भी मिलती है। पेन इन द ब्लैडर रीजन, ब्लैडर रीजन में बहुत ज़्यादा पेन होगा, बर्निंग और सोरनेस रहेगी, मतलब ब्लैडर रीजन में, ठीक है। पेन इन द थाइज एंड लॉइंस और मिक्चुरेटिंग, मिक्चुरेटिंग पे थाइज में दर्द होगा और लॉइंस, जो लॉइंस एरिया है वहाँ पर भी दर्द होगा, ठीक है। उसके अलावा फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन देखने को मिलेगा, बहुत जल्दी जल्दी यूरेथ्रा बर्न्स व्हेन नॉट मिक्चुरेटिंग, और अगर मिक्चुरेशन नहीं होगा, मिक्चुरेट नहीं करेगा, तब यूरेथ्रा में बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग पेन होगा, यानी कि यूरेथ्राइटिस की कंडीशन है। तो यूरिनरी सिम्टम्स हमने क्या देखा, रीनल और वेसाइकल सिम्टम्स ज़्यादातर दिखेंगे, बर्निंग और सोरनेस रहेगी किडनी में, ब्लैडर में लेफ्ट किडनी ज़्यादा अफेक्ट होगी, लेफ्ट किडनी में कटिंग पेन, स्टिचिंग पेन मिलेगा, और उसके साथ साथ क्या क्या, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा तीनों इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। लेफ्ट साइड में रीनल कॉलिंग देखने को मिल रहा है, उसके साथ साथ क्या है, बहुत ज़्यादा अर्जिंग है, मिक्चुरेशन बार बार करने की, और स्ट्रेंगुरी सेंसेशन भी फील हो रहा है। तो ये थे हमारे यूरिनरी सिम्टम्स। नेक्स्ट है मेल, मेल में क्या होगा, न्यूरेलजिया ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, स्पर्मेटिक कॉर्ड और टेस्टिकल्स का न्यूरेलजिया देखने को मिलेगा, न्यूरेलजिक पेन मिलेगा, मतलब नर्व्स अफेक्ट हो रही हैं। स्मार्टिंग, बर्निंग, स्टिचिंग इन द टेस्टिकल्स, प्रिप्यूज और स्क्रॉटम, स्मार्टिंग और बर्निंग पेन मिल रहा है, कहाँ स्टिचिंग मिल रही है, टेस्टिकल एरिया में, प्रिप्यूज में और स्क्रॉटम में, मतलब टेस्टिकल से लेकर स्क्रॉटम पूरा अफेक्ट है, टेस्टिकल्स भी अफेक्ट है, प्रिप्यूज भी और स्क्रॉटम भी। फीमेल में क्या है, पिंचिंग कॉन्स्ट्रिक्शन इन मोन्स वेनेरिस, मोन्स वेनेरिस
मॉन्स वेनेरिस में वेजिनिस्मस कॉन्ट्रेक्शन एंड टेंडरनेस इन वेजाइना, मतलब वेजाइना भी इफेक्ट है, मॉन्स वेनेरिस भी इफेक्ट है, और कॉन्ट्रेक्शन और टेंडरनेस मिलेगी वेजाइनास में। वेजिनिस्मस की कंडीशन है मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया वहाँ पर। बर्निंग एंड सोरनेस इन वेजाइना, वेजाइना में बर्निंग और सोरनेस रहेगी फीमेल में, ठीक है। डिजायर डिमिनिस्ड हो जाएगी क्योंकि सोरनेस से पेन है। कटिंग पेन मिलेगा ड्यूरिंग कोएशन, कोएशन के टाइम पर, जिसे हम डिसपेरियूनिया कहते हैं। मेंसेस कैसे होंगे, स्केंटी होंगे, ग्रे म्यूकस होगा, उसके साथ साथ पेन होगा किडनी में और चिलीनेस रहेगी, ठीक है। पेन एक्सटेंड कहाँ तक होगा, लॉइंस एरिया तक, थाई तक। ग्लूकोरिया कैसा होगा, ग्रेस म्यूकस होगा विद पेनफुल यूरिनरी सिम्टम्स। यूरिनरी सिम्टम्स जो भी होंगे वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होंगे, और ग्लूकोरिया याद रखेंगे ग्रेस होगा। न्यूरेलजिया ऑफ ओवरीज और वेजाइना, ओवरीज और वेजाइना का क्या देखने को मिलेगा, न्यूरेलजिया देखने को मिलेगा, मतलब जो पेन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, न्यूरेलजिक पेन हो रहा है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिम्टम्स में क्या है, हॉसनेस देखने को मिल रही है, पॉलिप मिलेगा लैरिंग्स में, टीयरिंग, स्टिचेस इन द चेस्ट एंड रीजन ऑफ हार्ट, मतलब जो हार्ट का रीजन है और जो चेस्ट का रीजन है वहाँ पर टीयरिंग, स्टिचेस, पेन मिल रहा है। तो जो हार्ट के जो कंप्लेंस होंगी या चेस्ट की जो कंप्लेंस होंगी वो देखने को मिलेंगी। शॉर्ट कफ देखने को मिलेगा, मतलब अगर किसी का फिस्टुला, फिस्टुला मेन तो यहाँ पर क्या है, हेमरॉइड्स, पाइल्स वगैरह, इनकी फिस्टुलाज की दिक्कत है। तो अगर किसी का फिस्टुला का या पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है उसके बाद चेस्ट कंप्लेंस आ गई, शॉर्ट कफ हो गया, ये सारी दिक्कत होंगी। बैक में देखें तो स्टिचेस इन द नेक एंड बैक, बैक में और नेक में दोनों जगह स्टिचेस फील होंगे, पेन फील होगा स्मॉल ऑफ बैक में, ठीक है। वर्स रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से दिक्कत बढ़ जाएगी। स्टिकिंग पेन इन द रीजन ऑफ किडनीज रेडिएटिंग अराउंड द एब्डोमेन टू हिप्स एंड ग्रोइन। तो स्ट्राइकिंग पेन, स्ट्राइकिंग जैसे कोई टकरा गया, किसी ने मार दिया, स्ट्राइकिंग पेन फील होगा किडनी के रीजन में जो रेडिएट करेगा एब्डोमेन तक, एब्डोमेन से हिप्स और ग्रोइंस तक जाएगा। नम ब्रूस्ड सेंसेशन फील होगा, मतलब नमनेस रहेगी, स्टिफनेस रहेगी, लेमलेस रहेगी, और स्पेशली कहाँ, रीनल और लंबर रीजन में, स्ट्रेचेस फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, वही किडनी से ब्लैडर तक, टीयरिंग, स्टिकिंग पेन विद स्टिफनेस, स्टिफनेस रहेगी, मेकिंग राइजिंग डिफिकल्ट, उठने में दिक्कत होगी, इन्वॉल्विंग हिप, नेट्स, लिम्स एंड नर्वनेस। हिप्स और नेट्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, लिम्स भी इन्वॉल्व होंगी उठने में, और वहाँ पर डिफ़िकल्टी होगी, और उसके साथ साथ नमनेस रहेगी। लंबैगो देखने को मिलेगा, मेटाटार्सस एंड मेटाकार्पस फील स्ट्रेन, मेटाटार्सस और मेटाकार्पस मतलब हाथ और पैर दोनों की बोन्स अफेक्ट हो रही हैं, दोनों की वहाँ पर फील क्या हो रहा है, स्प्रेन फील हो रहा है दोनों जगह। पोस्ट ऑपरेटिव पेन मिलेगा लंबर रीजन में, और जो रीनल रीजन होगा बहुत सेंसिटिव होगा टच के लिए, सिटिंग में दिक्कत है, लाइंग में दिक्कत है, जार से दिक्कत है, फटीक से दिक्कत है, हर चीज़ से दिक्कत है, ठीक है। सोरनेस विद शार्प पेन फॉलोइंग द कोर्स ऑफ सर्कमफ्लेक्स इलियक नर्व टू द ब्लैडर विद फ्रीक्वेंट मिक्चुरेशन, कैसा है, फ्रीक्वेंटली हम देख चुके हैं, सोरनेस रहेगी, उसके साथ साथ शार्प पेन होगा, और ये कहाँ से कहाँ तक, सर्कमफ्लेक्स इलियक नर्व से ब्लैडर तक फॉलो करेगा। अब नेक्स्ट है एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज़ में देखें तो रूमेटिक, जो जो कर्सिव में जो सिम्टम्स लिखे हैं, मतलब जो इटैलिक में जो सिम्टम्स लिखे हैं वो वाले सिम्टम्स हमें याद रखने हैं, बाकी तो हम बस एक गो थ्रू कर लेंगे। तो एक्सट्रीमिटीज़ में क्या है, रूमेटिक पैरालिटिक पेन मिलेगा शोल्डर्स में, आर्म्स में, हैंड में, फिंगर्स में, लेग्स में और फीट में। न्यूरेलजिया अंडर द फिंगर नेल्स, फिंगर नेल्स के अंडर न्यूरेलजिया देखने को मिलेगा विद स्वेलिंग इन फिंगर जॉइंट, फिंगर जॉइंट स्वेल कर जाएंगे। सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस ऑन द आउटसाइड ऑफ थाई, थाई के बाहर वाले पार्ट में कोल्डनेस फील होगी। हील्स पेनफुल हो जाएंगी, जैसे अल्सर्स बन गए हैं। स्ट्रिचिंग बिटवीन द मेटासार्सल बोन्स एज इफ फ्रॉम अ नेल व्हेन स्टैंडिंग, ऐसा लगेगा कील चुबा दी है, ऐसा दर्द होगा मेटाटार्सल बोन्स में। पेन इन द बॉल्स ऑफ फीट ऑन स्टेपिंग, जब पैर रखेगा तो जो फीट में जो बॉल्स हैं, जो उभरा हुआ हिस्सा है, वहाँ पर पेन फील होगा। इंटेंस बियरीनेस रहेगी, लेमनेस रहेगी लेग्स में, शॉर्ट डिस्टेंस चल के ही वो थक जाएगा, बहुत ज़्यादा फटीक से दिक्कत है, ठीक है। फीवर में क्या है, कोल्ड सेंसेशन मिल रहा है वेरियस पार्ट्स में, जैसे कि स्पैटर्ड कर दिया है किसे, कोल्ड वाटर से। वॉर्म मिलेगी लोअर पार्ट ऑफ बैक में, हिप्स में और थाई में, बाकी बॉडी में क्या है, कोल्ड सेंसेशन है। स्किन देखें तो फ्लैट वॉट्स देखने को मिलेंगे, इचिंग मिलेगी, बर्निंग मिलेगी, स्मार्टिंग मिलेगी, खुजली करने से वॉट्स होगा, बेटर किससे होगा, कोल्ड एप्लीकेशन से। स्मॉल पुस्टूल्स मिलेंगे पूरी बॉडी में, एक्जिमा ऑफ एनस और हैंड देखने को मिलेगा, सर्कमस्क्राइब पिगमेंटेशन फॉलोइंग एक्जिमेटस इन्फ्लेमेशन, ठीक है। मोडेलिटीज़ क्या हैं, वर्स किससे होगा, मोशन से, स्टैंडिंग से,
और इट ब्रिंग्स ऑन और इंक्रीजेस यूरिनरी कंप्लेंस, और ये बढ़ता जाएगा और यूरिनरी कंप्लेंस भी इंक्रीज होंगी। तो ये थी हमारी बर्बेरिस बल्गैरिस। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।